एशिया के 48 देशों में से एक सबसे खूबसूरत देश ओमान के बारे में जानकारी देंगे। हालांकि मुस्लिम देश होने के बावजूद भी ओमानियों के साथ विभिन्न देशों के प्रवासी भी रहते हैं, जैसे कि ईसाई धर्म, हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग। मध्य एशिया में आने वाला देश जिसकी बॉर्डर येमेन, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात से जुड़ी है। देश का हजारों साल पुराना समृद्ध इतिहास है। प्राचीन काल में ओमान एशिया में प्रसिद्ध व्यापार केंद्र बन गया था, क्योंकि लोबान और तांबे का उत्पादन सबसे ज्यादा करता था। आज के वीडियो में ओमान के बारे में सबसे अलग और इंटरेस्टिंग जानकारी देंगे। आधुनिक समय की बात की जाए तो आज़ादी मिलने से पहले देश ने फारसी, पुर्तगाली, इसके अलावा ओटोमन साम्राज्य का विस्तार और पतन देखा है। देश ने आधुनिकीकरण को अपना के खुद का विस्तार किया। राजधानी मस्कट जैसे शहर में आधुनिक वास्तुकला, लग्जरी होटल और एक संपन्न व्यापारिक माहौल का प्रदर्शन देखने को मिलता है। पर्यटक जब देश घूमने आते हैं तो उनको आसानी से खजूर और ओमानी कॉफी पीने का आनंद मिलता है। देश का एरिया 309,500 स्क्वायर किलोमीटर, आबादी 45 लाख। वाड़ी शाब ओमान के अल शर्किया क्षेत्र में स्थित एक सुरम्य वाड़ी घाटी है, जो फिरोजा पुल, झरना और छिपी हुई गुफाओं के लिए जानी जाती है। पर्यटक लंबी पैदल यात्रा करके वाड़ी घाटी में घूमने के लिए जाते हैं। हमारा भारत देश, जिसे इंडिया भी कहा जाता है, इंडिया नाम इंडस सभ्यता और इंडस रिवर से संबंधित है। लेकिन ओमान देश को उसका नाम कैसे मिला और इसका मीनिंग क्या है? कहा जाता है कि नाम की उत्पत्ति 4000 साल पहले मेसोपोटामिया सभ्यता में बोली जाने वाली अक्काडियन भाषा के कारण हुई थी। अक्काडियन भाषा में मदन शब्द का इस्तेमाल उस जगह को दिखाने के लिए किया था जिसका लोकेशन आधुनिक ओमान में दिखाई देता है। एक ऐसी जगह जो इतिहास में प्रसिद्ध व्यापार केंद्र बन गई थी। प्राचीन सुमेरियन और लेबुनियन लोग प्रसिद्ध व्यापारी जगह को माकन कहते थे। देश के मेसोपोटामिया, फारसी, यूनानी और रोमन जैसे प्राचीन सभ्यताओं के साथ व्यापारिक संबंध थे। समय बीता गया, प्राचीन मदन और माकन जैसे शब्दों को व्यापार के कारण ओमान नाम से जाना गया। संस्कृति और व्यापार आदान प्रदान की अवधि के दौरान देश का नाम ओमान पड़ा। हालांकि आधुनिक देश, जिसे आधिकारिक तौर पर सल्तनत ऑफ ओमान नाम से जाना जाता है। देश की राजधानी मस्कट शहर, जिसका इतिहास मध्ययुगीन काल से भी कई ज्यादा पुराना है। दूसरी सदी में मस्कट शहर फारसी, पुर्तगाली और ऑटोमन साम्राज्य के कब्जे में आया था। 16वीं सदी में पुर्तगाल लोगों ने राजधानी पर कब्जा करके शहर की सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण किया था। हालांकि उस समय के सुल्तान नासिर बिन मुर्शिद अल यारूबी के शासन के दौरान ओमानी सेना ने पुर्तगालियों को देश से भगा दिया। 20वीं सदी की शुरुआत में फारसी और ब्रिटिश कब्जे के दौरान मस्कट शहर कॉलोनी का हिस्सा बन गया था, लेकिन ओमान अपनी आज़ादी बनाए रखने में कामयाब रहा। ओमन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी की लड़ाई 1962 से 1976 तक चली। हालांकि बाहर के किसी भी देश ने ओमन पर कब्जा नहीं किया था, बल्कि देश के अंदर का युद्ध, जिसे सिविल वार कहा जाता है। देश के दक्षिणी भाग को डोफर नाम से जाना जाता है। यहाँ की लगभग 4 लाख आबादी के बीच राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को लेकर युद्ध संघर्ष शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत पॉपुलर फ्रंट फॉर द लाइब्रेशन ऑफ ओमान जैसी ताकतवर पार्टी ने की थी। उसका मकसद सल्तनत को उखाड़ फेंकना और समाजवादी राज्य स्थापित करना था। इस ताकतवर पार्टी को पड़ोसी देशों का सपोर्ट था, जैसे कि येमेन और सोवियत संघ। कहा जाता है कि ब्रिटिश सेना का भी पार्टी को सपोर्ट था। लेकिन 1970 में ओमान के सुल्तान कबूस बिन सईद ने डोफर के लोगों की समस्या का समाधान निकालने के लिए राजनीतिक और सामाजिक बदलाव किए। देश ने सैन्य रणनीति बनाकर डोफर के विरोधियों को हार मानने के लिए मजबूर किया। 1976 में गृहयुद्ध खत्म हो गया। देश अपने सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, इसलिए साल भर में कई सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। हर साल 18 नवंबर को आज़ादी का दिन मनाया जाता है। जिस तरह हमारे भारत में दिवाली सबसे बड़ा त्यौहार है, उसी तरह ओमान में मस्कट फेस्टिवल मनाया जाता है। त्यौहार को राजधानी मस्कट में जनवरी महीने में आयोजित किया जाता है। लगभग एक महीने तक चलने वाले इस त्यौहार में ओमानी संस्कृति, परंपरा, कला, मनोरंजन, डांस, आतिशबाजी और सबसे आखिर में खाने की चीज़ों का मजा लिया जाता है। इसके अलावा एक और त्यौहार, जिसे सलाल टूरिज्म फेस्टिवल कहा जाता है, इस त्यौहार में ओमानी सांस्कृतिक प्रदर्शन, पारंपरिक संगीत, डांस, ऊंट दौड़ और भी कई सारे खेलों का आयोजन किया जाता है। दुनिया भर के पर्यटक देश घूमने के लिए आते हैं। राजधानी मस्कट एक ऐतिहासिक शहर होने की वजह से सुल्तान कबूस ग्रैंड मस्जिद, रॉयल ओपेरा हाउस, अल जलाली और अल मिरानी के ऐतिहासिक किले पर्यटक लोगों को आकर्षित करते हैं।